आपके भी बालों की हेयर की ग्रोथ रुक गई है और बहुत सारी रेमेडीज ट्राई करने के बाद भी आपके बालों की हेयर की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो इस DIY होम रेमेडी का यूज़ करने से आपके बालों की हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही साथ आपके बाल सिल्की स्मूथ, शाइनी और ग्लॉसी भी हो जाएंगे। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस रेमेडी का यूज़ करने से आपके स्कैल्प से डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। इस DIY होम रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और इसको बनाने के लिए आपको लेना है 2 चम्मच आंवला पाउडर और 1 चम्मच रीठा पाउडर और 4 चम्मच दही। इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक मास्क बनाना है और इस मास्क को अपने हेयर पे अप्लाई करना है और 2 घंटे तक अपने बालों पे लगा रहने देना है। 2 घंटे बाद अपने बालों को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। यह रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आंवला आपके बालों को बहुत ही तेज़ी से लंबा करने में हेल्प करता है और रीठा आपके बालों को सिल्की स्मूथ और शाइनी बनाता है और कर्ड आपके बालों को डैंड्रफ से दूर रखता है। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका एक बार यूज करने से आपको आपके बालों में डिफरेंस दिखने लगेगा। अगर आप भी इसका यूज 1 महीने तक लगातार करते हैं तो इससे आपके बालों की हेयर की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होने लगेगी और साथ ही साथ आपके बालों की हेयर की ग्रोथ 8 से 10 इंच तक भी हो सकती है। ऐसे ही क्विक और इफेक्टिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।